और अब विस्तार से खबरें। राजस्थान में गर्मी बढ़ने से बिजली की खपत काफी तेज हो गई है, लेकिन डिमांड के अनुसार पावर प्लांट से सप्लाई नहीं हो रही है। कोयले का संकट और कई यूनिट के बंद होने से उत्पादक जो है वो प्रभावित हो रहा है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 250 मेगावाट की एक नंबर और चार नंबर इकाई बंद पड़ी है। 250 मेगावाट की फिलहाल चार इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रहा है। सुपर क्रिटिकल में सात नंबर इकाई का जनरेटर खराब होने से पिछले एक माह से वो बंद है। अगर कोयले की बात करें तो फिलहाल कोयले का स्टॉक नहीं है, जितनी जरूरत होती है उतना ही कोयला सूरतगढ़ थर्मल में पहुंच रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग के लिए विगत 21 मार्च से शुरू हुई नहरबंदी के कारण 1500 मेगावाट के सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल में पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। नहरबंदी से पूर्व परियोजना में 44 लाख क्यूबिक मीटर पानी स्टॉक था, लेकिन पांच इकाइयों से बिजली उत्पादन और राख निस्तारण में पानी के उपयोग से ये स्टॉक घटकर अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर रह गया है। परियोजना में फिलहाल मात्र 18 से 20 दिनों का पानी स्टॉक ही शेष बचा है। पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन इंदिरा गांधी नहर से तीन पंपों से रोजाना करीब 100 क्यूबिक मीटर पानी उठाकर इंटेक के रिजर्व वाटर में लाया जा रहा है, जो नाकाफी है। तो देश में बिजली की मांग पिछले 38 सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, जबकि कोयले की सप्लाई की मांग के मुताबिक बीते 10 साल में सबसे कम है। कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की यूनिट्स को पूरी कैपेसिटी में चलाने के लिए 26 दिन का कोयला स्टॉक जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता जयपुर से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंचोली, और सूरतगढ़ से विजय स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और झालावाड़ से अनीस जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरतगढ़ से हम जानना चाहेंगे विजय स्वामी, गर्मी बेइंतहा पड़ ही रही है, अप्रैल के महीने में भी मई जून जैसी गर्मी हमें महसूस हो रही है, ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ी है, कोयले की खपत जो है वो भी बड़ी है, और जो डिमांड है कोयले की जितना मांगा जा रहा है उतना मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या कुछ समस्याएं पैदा होने की स्थिति में हम आ चुके हैं, और कितने दिन का कोयला और बचा हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय गर्मी है जो बहुत पड़ रही है, और साथ में ही सूरतगढ़ थर्मल की पावर प्लांट की इकाइयां हैं जो छह में से चार चल रही हैं, फिलहाल दो इकाइयां बंद है, और साथ में सुपर क्रिटिकल इकाई, दो सुपर क्रिटिकल की इकाई है जिसमें से एक सुपर क्रिटिकल की इकाई बंद है और एक चल रही है, वहीं एक सातवीं इकाई के अंदर जनरेटर के अंदर फॉल्ट आ गया जिसके कारण ये इकाई अभी सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। और अगर वहीं हम कोयले की अगर बात करें तो कोयला सूरतगढ़ में जितनी की जरूरत, पांच छह रैंक की जरूरत होती है, सिर्फ इतना ही कोयला यहाँ पहुंच पा रहा है, इससे ज्यादा यहाँ कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। जी विजय, कि कोयला पहुंच नहीं पा रहा है, कि ये जो रैंक है ये सिर्फ पांच से छह रैंक डेली आ रहे हैं, उसी से काम चलाया जा रहा है। आगे क्या कुछ संकट प्रदेश के सामने पैदा हो सकता है? विजय, वही विद्युत सप्लाई से अघोषित कट है जो सूरतगढ़ के अंदर जहाँ अघोषित कट लग रहे हैं, सुबह भी जा रही है लाइट और दोपहर में भी लाइट कट हो रही है। अगर बिजली का कोयला अगर नहीं पहुंच पाया तो विद्युत पूरे राजस्थान में है, इसका संकट है जो गहरा जाएगा, और ऐसे में विद्युत सप्लाई है वो विद्युत सप्लाई नहीं हो पाएगी। जी अनीस आलम झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस,
क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गर्मी के चलते? देखिए बिजली की डिमांड हर जगह ज्यादा है, पिछले 38 साल में जितनी बिजली अब तक डिमांड में नहीं आई वो अब आ रही है, और कोयले की मांग जो है वो उतना कोयला मिल नहीं रहा है, बिजली के क्षेत्र में संकट आ सकता है। क्या कुछ अभी की स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल भानु, अगर हम झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले के अंदर जो अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है उससे पूरे झालावाड़ जिले के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन पूर्व ही जो भारतीय किसान संघ है वो ग्रामीणों को लेके झालावाड़ का जो जयपुर डिस्कॉम है ऐसी ऑफिस में काफी उन्होंने हंगामा और प्रदर्शन किया है, और 7 दिन की चेतावनी भी दी है कि जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती के अलावा जो झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो कटौती हो रही है उससे काफी नाराजगी व्याप्त है, और इसके अलावा जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है तो उसमें मुस्लिम समाज का जो तबका है वो भी काफी नाराज है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, दिन भर रोजे रखता है, और ऐसे में अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको लेकर काफी मुस्लिम समाज के लोग भी काफी नाराज है। और भारू मैं बताना चाहूंगा कि अभी जहां मैं बैठा हूँ उसके जस्ट ऊपर झालावाड़ के जो सांसद है दुष्यंत सिंह वो इसी संबंध में मीटिंग ले रहे हैं, बिजली कटौती और पेयजल की समस्या को लेके जो जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जितने जिले के जो एमएलए हैं उनके साथ और डीएम के साथ मीटिंग ले रहे हैं, और उसमें खास तौर से झालावाड़ के अंदर जो बिजली की जो अघोषित जो बिजली की कटौती की जा रही है उसको लेके झालावाड़ के जो सांसद है उन्होंने जयपुर डिस्कॉम और जिला कलेक्टर से काफी नाराजगी व्यक्त की है, और इसको जल्द से जल्द झालावाड़ जिले के अंदर इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। और अगर हम झालावाड़ की जो थर्मल की बात करें तो भानु मैं बताना चाहूंगा कि पूरे कोटा संभाग के अंदर जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो झालावाड़ के अंदर है, 650 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिसमें से एक इकाई काफी समय से बंद है, बताया जा रहा है कि उसको मेंटेनेंस को लेकर वार्षिक जो रखरखाव होता है उसको लेके उसको स्टैंड मोड पर रख रखा है, लेकिन जो पहली इकाई है वो तो अपनी क्षमता पर बिजली उत्पादन कर रही है। और जो कोयले की जो बात करें तो हमारी अभी कुछ ही देर पहले जो झालावाड़ थर्मल के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी कि झालावाड़ थर्मल के अंदर जो कोयले की जो रैंक है वो तो बराबर आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कब तक झालावाड़ को कोयले की मिलती रहे, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है झालावाड़ के कोयले की जो रैंक की तो वो बराबर आ रही है, लेकिन जो एक इकाई है वो अपनी क्षमता पर चल रही है, दूसरी इकाई को बंद कर रखा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि जब राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर बिजली की इतनी डिमांड बढ़ रही है उसमें अगर इस तरह से एक इकाई को 650 मेगावाट की इकाई को बंद करके रखरखाव का नाम लेके उसको दुरुस्त नहीं किया जाए, उसको मेंटेनेंस नहीं किया जाए, और उसमें कहा जा रहा है कि 2 मई के बाद वो जो दूसरी इकाई है वो चालू हो सकती है, तो ऐसे में ये भी पता लगता है कि कितनी गंभीर हमारा प्रशासन है कि बिजली की कटौती हो रही है, जो रोड पर आ रहे हैं आक्रोशित किसान धरने दे रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर रखरखाव को लेके अगर इसको डीले किया जाता है तो कहते हैं कि अगर मई के अंदर दूसरी इकाई चालू हो जाएगी। सरकार तो गंभीर है ही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये जो अघोषित बिजली कटौती होने वाली है या जो समस्या आने वाली है उसके लिए कितनी तैयार थी, उसके लिए पहले से कितनी तैयारी की गई ये भी देखने वाली बात है। चलिए मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं योगेंद्र पंचोली हमारे संवाददाता। योगेंद्र, आपने झालावाड़ संवाददाता की भी बात सुनी, सूरतगढ़ संवाददाता की भी बात सुनी, अब ऐसे में सरकार ने पहले से तैयारियां क्या कर रखी हैं, क्योंकि कोयले की देखिए डिमांड बहुत दिनों से बढ़ रही है लेकिन उतना कोयला मिल नहीं रहा है, ये बात तय थी कि गर्मियां आएंगी तो बिजली और पानी की समस्या सबको होनी है, तो इसके लिए पहले से क्यों तैयारियां नहीं की गई, अब सरकार क्या कुछ तैयारी करने कर रही है और आने वाले दिनों में स्थिति कितनी और गंभीर होने वाली है? देखिए भानु, मैं फिलहाल जो पूरे प्रदेश का जो विद्युत विभाग का जो मुख्य विभाग है कार्यालय है उसके सामने ही खड़ा हूं मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो चेयरमैन तीनों डिस्कॉम्स के जो चेयरमैन हैं भास्कर सामंत जो कि इस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, हालांकि यहाँ पर जो जयपुर डिस्कॉम के जो MT हैं उनसे भी बात हुई है। हालांकि देखिए बिजली का संकट तो है और बिजली की जो तापीय यानी जो कोयले से बिजली की जो बिजली का उत्पादन होता है वो भी गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में फिलहाल ज्यादा बड़ी राहत मानी जा सकती है कि यहाँ पर जो कटौती हो रही है शहरी क्षेत्र में 1 से 1.5 घंटे की कटौती ही की जा रही है, जबकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है, हालांकि फिर भी इसमें छूट दी गई है, लेकिन जयपुर डिस्कॉम की ओर से एक बड़ा प्रावधान आज किया गया है कि अक्सर क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद जब उद्योग धंधे शुरू हुए हैं पूरे प्रदेश में ही तो डिमांड तो बढ़ी है,
और इस पूरी अवधि में देखा जाए तो अप्रैल माह की जो अवधि निकली है पिछले साल की तुलना में इस बार इस गर्मी के सीजन में करीब 31 यानी 31% बिजली की डिमांड बढ़ी है। हालांकि जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, लेकिन आज अगर नेचुरली रूप से देखा जाए एक का औसतन देखा जाता है तो मिनिमम जहां 2200 से 300 मेगावाट बिजली की डिमांड रोजाना है वही मैक्सिमम ये 13,500 मेगावाट बिजली की डिमांड आ रही है जबकि जो प्रोडक्शन ठीक है योगेश।